हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। ये है ग्रैंड आइटेनिवस स्पोर्ट सीएनजी मॉडल। आज इस वीडियो में हम इसकी डिटेल जानने वाले हैं। अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो गाड़ी है ये मेरे दोस्त माधव की गाड़ी है। माधव वो नहीं जो गोलमाल में है, ये हमारा फ्रेंड है। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड देखते हैं। तो इस गाड़ी का फ्रंट लुक आप देखोगे तो यहाँ पे हमें फ्रंट में हुंडई का लोगो यहाँ पर मिल जाता है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो ग्रिल है ये देखिए इस तरह से हमें ग्रिल मिल जाती है। ग्रिल पर जो चारों साइड में हमें सिल्वर कलर में एक लाइन मिलती है और अंदर में स्ट्रेट लाइन में सिल्वर कलर में ही मिल जाती है। साथ में इसमें हमें DRL भी मिल जाते हैं, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर एक DRL है और यहाँ पर ये दूसरा। और इसमें हमें प्रोजेक्टर फॉग लैंप भी मिल जाते हैं इस तरह से। और इसमें हैलोजन हेडलाइट भी मिल जाते हैं। और आप ऊपर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर CNG की बैजिंग मिल जाती है। इस तरह से इस गाड़ी का फ्रंट लुक हो जाता है। बहुत ही प्यारी गाड़ी लगती है। तो चलिए साइड से एक बार इस गाड़ी को देख लेते हैं। तो ये देखिए साइड से हमें इस तरह से गाड़ी दिखती है। इस गाड़ी में जो टायर की प्रोफाइल है वो है 165/70R14 और अलॉय व्हील इस तरह से हमें मिलते हैं। तो ये बॉडी कलर में आप ORVM भी देख सकते हो और इसी पर हमें साइड इंडिकेटर भी मिल जाता है। डोर हैंडल देखोगे तो बॉडी कलर में हमें मिलते हैं। ऊपर आप देखोगे ब्लैक कलर में हमें रूप रेल मिलती है। और यहाँ पर शार्पिन एंटीना भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी हमें इसमें मिल जाता है। बैक में आप देखोगे तो यहाँ पर CNG की बैजिंग मिलती है। और इसमें इस गाड़ी के साथ हमें डिफॉगर भी मिल जाता है। और बैक साइड से आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रैंड आइटेन की बैजिंग है और यहाँ पर हुंडई का लोगो और यहाँ पर स्पोर्ट की बैजिंग। और यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो ये बैक कैमरा है। बैक कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उसी के नीचे यहाँ पर निवॉस की बैजिंग भी मिल जाती है। और इसमें हमें पार्किंग दो सेंसर मिलते हैं। इस गाड़ी में जो टेल लाइट है इस तरह से हमें मिलते हैं और उसी के नीचे यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी मिल जाते हैं। और हाई माउंट स्टॉप लैंप जो है वो यहाँ पर हमें मिलता है। तो इस तरह का लुक हमें बैक साइड में मिल जाता है। आप इस साइड में देखोगे तो इस तरह का लुक हमें मिलता है। ये देखिए बैक साइड से जब हम देखते हैं तो ऐसा लुक इस गाड़ी का मिलता है। ग्रैंड आइटेनिवस में हमें की जो है इस तरह की मिलती है। इस पर हमें 3 बटन दिए गए हैं। पहला जो बटन है ये लॉक करने के लिए, दूसरा जो बटन है अनलॉक करने के लिए, और ये जो तीसरा बटन है ये बूट ओपन करने के लिए। इसे आप प्रेस कर रखोगे तो बूट ओपन हो जाता है। तो चलिए एक बार बूट भी हम देख लेते हैं। बूट ओपन करने के लिए हमें यहाँ पर एक मैग्नेटिक बटन दिया गया है और यहाँ पर प्रेस करते ही बूट ओपन हो जाता है। तो इस तरह का बूट हमें इसमें मिलता है। आप यहाँ पर स्पेस देखोगे तो यहाँ पर स्पेस जो है बिल्कुल ही नहीं बचता है। CNG टैंक होने की वजह से यहाँ पर स्पेस जो है वो नहीं बचता है। इस गाड़ी में जो CNG टैंक हमें मिलता है वो 60 लीटर वाटर कैपेसिटी का CNG टैंक मिलता है। इसमें लगभग 7.5 से 8 kg तक CNG आ सकती है। इस टैंक में CNG फिलिंग का वाल कहाँ पर दिया है वो भी हम आपको एक बार दिखाते हैं। यहाँ से हमें CNG फिलिंग वाल देखने के लिए ओपन करना होगा। देखिए यहाँ से हम CNG फिल कर सकते हैं। जहाँ से हम पेट्रोल फिल करते हैं उसी के बाजू में यहाँ पर CNG फिल करने का वाल दिया गया है। और इस CNG टैंक की जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होती है। तो इस तरह से इस गाड़ी का जो आउटर लुक है वो हमें मिल जाता है। अब हम चलते हैं अंदर की साइड में। अंदर हमें किस तरह का लुक मिलता है वो हम एक बार आपको दिखाते हैं। तो चलिए अंदर। इस गाड़ी में जो डोर है वो हमें इस तरह का मिलता है। ये देखिए यहाँ पर हमें सिल्वर कलर में ये डोर ओपन करने के लिए मिल जाता है। और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पर विंडोज़ कंट्रोल मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाते हैं। ये जो बटन आप देख रहे हो ये ORVM एडजस्ट करने के लिए है। अगर आप इस तरह से इसे करते हो तो ये लेफ्ट साइड का ORVM एडजस्ट होगा और इस तरह से करोगे तो आप राइट साइड से। और हमें यहाँ से एडजस्ट करना होता है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। ये जो बटन देख रहे हो इस बटन से आप ORVM इलेक्ट्रिक फोल्ड कर सकते हो।
यहाँ पर आप देखोगे डोर क्लोज करने के लिए स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर आप देखोगे 1 लीटर बॉटल रखने के लिए स्पेस हमें मिल जाता है, और छोटा मोटा सामान भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। और उसी के बाजू में यहाँ पे स्पीकर हमें मिल जाता है। इस गाड़ी में हमें 4 स्पीकर मिलते हैं, ये पहला यहाँ पे इस डोर में, ये दूसरा बैक साइड के दोनों डोर में भी हमें स्पीकर मिल जाते हैं। इस गाड़ी की जो सीट है वो हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह से। अब हम देख लेते हैं इस गाड़ी का डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड हमें इस तरह का मिलता है, ये देखिए आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड हमें मिल जाता है। सबसे पहले हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग पर हमें म्यूजिक सिस्टम के जो कंट्रोल है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। उसी के साथ कॉलिंग करने के लिए और कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए भी कंट्रोल यहाँ पर मिल जाते हैं। इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इस तरह से हमें मिलता है। चलिए इसे ऑन कर देख लेते हैं, और साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कि जब हम इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो इस गाड़ी के इंजन का नॉइज जो है वो किस तरह से आता है। तो अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ और देखिए कितना नॉइज आता है। तो अभी गाड़ी आ चुकी है सीएनजी पर, और सीएनजी पर जो है इस तरह से नॉइज हमें अंदर आ सकता है। इस वक्त जो है चारों विंडो मैंने क्लोज करके रखा है। चलिए अब एसी ऑन कर लेते हैं, तब देखते हैं हमें कितना नॉइज आता है। तो इतना नॉइज हमें इस गाड़ी में आता है जब हम एसी ऑन कर लेते हैं। एसी का जो ब्लोअर है वो हम कम कर देते हैं, एक पर रखते हैं, तब देखते हैं कितना नॉइज आता है। तो अब इतना नॉइज हमें आ रहा है, सुनिए आप एक बार। तो इस तरह से नॉइज हमें इस गाड़ी में मिलता है। ये जो गाड़ी है ये लगभग 11,664 किलोमीटर चल चुकी है, इसकी सेकंड सर्विसिंग हो चुकी है, और इस सेकंड सर्विसिंग का भी हम एक वीडियो जल्द ही इस चैनल पर लाने वाले हैं। इस गाड़ी में हमें म्यूजिक सिस्टम इस तरह का मिल जाता है, ये देखिए। अब इसमें हमें बैक कैमरा भी मिल जाता है, तो उसकी भी क्वालिटी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह की क्वालिटी हमें मिलती है। इसमें कुछ बटन दिए गए हैं, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं, ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, ये ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर भी कुछ कंट्रोल दिए गए हैं, रेडियो मीडिया, इस तरह से यहाँ पर हमें कंट्रोल मिल जाते हैं। इसी के नीचे हमें एसी के जो वेंट है वो मिलते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमें हज़ार लाइट का बटन मिल जाता है। में जो एसी है ये हमें ऑटोमेटिक मिलता है इस तरह से। इस एसी को हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ब्लोअर कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। और ये जो बटन दिया गया है ये एक बार प्रेस करने पर ये ऑटो सेंस करता है, मतलब अभी गाड़ी में कितना टेम्परेचर है उसी के हिसाब से ये ब्लोअर रखता है। उसी के नीचे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमें एक यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है, और यहाँ पे हमें एक सिगरेट चार्जर भी मिल जाता है। यहाँ पर हमें मोबाइल रखने के लिए स्पेस भी इस तरह से मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया स्पेस इसमें हमें दिया गया है। और गियर नॉब देखोगे तो इस तरह का गियर नॉब हमें इसमें मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया है। और इस गियर नॉब की जो प्लेसमेंट है वो भी बहुत सही जगह पर की गई है। उसी के साथ हमें इसमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, और ये हैंड ब्रेक, यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस दिया गया है। यदि IRVM की बात करें तो हमें इस तरह का IRVM मिल जाता है, मैनुअल डे नाइट का ये IRVM है। ये जो डैशबोर्ड है इस तरह का ये मिल जाता है। डैशबोर्ड पर हमें यहाँ पर भी कुछ सामान रखने के लिए स्पेस दिया गया है, और इसका जो ग्लो बॉक्स है इस तरह से हमें मिलता है। इसमें हमें कूलिंग का फीचर नहीं मिलता है, ये देखिए। कई गाड़ी में अब कूलिंग का फीचर मिलता है, लेकिन इसमें हमें ग्लो बॉक्स में कूलिंग का फीचर नहीं मिलता है। इस गाड़ी में हमें एक यहाँ पर माइक भी मिल जाता है, यहाँ पर विनिटी मिरर भी देखिए मिल जाता है को ड्राइवर साइड में हमें, और ड्राइवर साइड में यहाँ पे पॉकेट होल्डर मिल जाता है। फ्रंट सीट की बात करें तो फ्रंट सीट में हमें फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं। चलिए बैक सीट भी एक बार देख लेते हैं किस तरह से हमें मिलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं बैक सीट पर, और आप यहाँ पर देखोगे बैक सीट पर भी हमें जो हेडरेस्ट मिलते हैं ये फिक्स मिलते हैं।
इस गाड़ी में बैक सीट पर हमें कोई भी आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। बैक साइड में हमें यहाँ पर एसी वेंट मिल जाता है, उसी के साथ यहाँ पे भी एक सिगरेट चार्जर पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। इस गाड़ी में जो हम्प है वो बहुत ही कम यहाँ पे मिलता है। अगर बैक सीट पर 3 पैसेंजर बैठे हैं तो जो मिडल का पैसेंजर है उसे ज़्यादा यहाँ पे तकलीफ नहीं होगी। बैक सीट से अगर आप डैशबोर्ड देखते हो तो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। ऊपर हमें एक लाइट भी मिल जाता है। बैक साइड का डोर आप एक बार देख लीजिए, इस तरह से हमें मिलता है। डोर में भी हमें 1 लीटर बॉटल रखने के लिए स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर स्पीकर भी मिल जाता है। देखिए इस साइड का भी आप देख लीजिए। ये जो गाड़ी है ये गाड़ी मेरे दोस्त माधव की है, उन्होंने मुझे ये गाड़ी इस वीडियो को बनाने के लिए दी है। हम दिल से उन्हें थैंक यू कहते हैं। इस वीडियो के बाद इस गाड़ी में मेरे दोस्त ने कौन कौन सी एसेसरीज लगाई है और कितने की लगवाई है, कहां से लगवाई है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। साथ में इसकी सेकंड सर्विसिंग हो चुकी है, उस पर भी एक वीडियो इस चैनल पर आ जाएगा। और उसके बाद इस गाड़ी का CNG माइलेज टेस्ट भी हम करने वाले हैं। तो अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ग्रैंड एटेनिवा स्पोर्ट CNG और औरा SCNG इसका कंपेरिजन भी हम इस चैनल पर करने वाले है। इस वीडियो में हमने ग्रैंड एटेनिवा स्पोर्ट CNG का रिव्यू किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक जय हिंद।